कहता है पार्टिकल मास एम चार्ज क्यू एनर्जी uh, टी इंटर ए ट्रांसफर्स मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में इंट्री कर गया है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी टी थी तो आफ्टर थ्री सेकेंड उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अब देखो ये चार्ज पार्टिकल ये हम ट्रांसफर्स मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर गया ये मैग्नेटिक फील्ड बी है और ये अपना मैग वेलॉसिटी वैक्टर भी है तो अगर ये वेलोसिटी वेक्टर भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है तो अब जब ऐसे बोर्ड के प्लेन में अगर ऐसे छोड़ोगे अगर यहाँ पर मैं चार्ज पार्टिकल की बोल तो हम सबको पता है कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो तो काइनेटिक एनर्जी ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कॉन्स्टेंट रहेगी तो अगर काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी तो स्पीड भी क्या होती है कॉन्स्टेंट होती है तो अगर स्पीड कॉन्स्टेंट होती है बट ये ये अच्छे से याद रखना कि अगर किसी पार्टिकली काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट है काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है वेलोसिटी कर सकती है बट अगर काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो स्पीड मस्ट भी कॉन्स्टेंट बट अगर वेलासिटी uh, कॉन्स्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो यहां से यहां से जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो चेंज होने वाली नहीं है चलो ये